वन विभाग ने किसानों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि बांस को रोजगार का साधन बनाकर कैसे कमाई की जा सकती है। कार्यशाला का आयोजन वन विभाग की हंडिया रेंज ने ग्राम झाड़पा में किया। वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेश कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि बांस इमारती लकड़ी का एक बेहतर विकल्प है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार इसकी मांग बढ़ रही है। कृषि के आय में अनिश्चितता को देखते हुए शासन ने खेती को सीधे उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया है। शासन द्वारा निःशुल्क बांस के पौधे बांटे जा रहे हैं और आप लोग भी शासन के कार्य में सहयोगी बने और बांस के पौधे लगाएं। वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेश कुमार ने किसानों को बांस के पौधे लगाने की विधि भी बताई। शासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और किसान को पौधों से वैकल्पिक आय के साधन प्राप्त हो। इसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन के योजना है कि किसान अपने खेतों में, खेत की मेड़ों में बांस लगाएं और बांस से वैकल्पिक आय प्राप्त करें। इसी योजना में बांस मिशन में जो बांस लगाता है किसान जी, उसको अनुदान के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु बांस मिशन से राशि प्रदाय की जाती है। इसी बात को समझाने के लिए और जागरूक करने के लिए आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया था वन विभाग हरदा द्वारा जी। इसमें किसानों को ये बताया गया कि बांस के पौधे 4 मीटर बाई 4 मीटर के अंतराल में लगाए जाते हैं जी। और लगाए जाने के बाद जब वो सक्सेस हो जाता है तो प्रथम वर्ष में उन्हें 36 रुपये और 24 रुपये मिलाकर 2 किस्तों में 60 रुपये की राशि प्रदान की जाती है जी। फिर उसके अगले वर्ष 36 रुपये प्रदाय किया जाता है जीवित प्रतिशतता पौधों के आधार पर, और फिर तीसरे वर्ष प्रदाय किया जाता है 24 रुपया। इस प्रकार से शासन एक बांस के पौधे पे 120 रुपया अनुदान देती है और फिर किसान पांचवें वर्ष से उसका उत्पादन प्रारंभ करने लगता है और उसे आय प्राप्त करने लगता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।